हाय एवरीवन, तो आप में से बहुतों ने मुझे पूछा माइक्स के बारे में कि अगर आप भी मेरी तरह होम स्टूडियो सेटअप करना चाहते हैं तो कौन सा माइक लेना चाहिए। मैंने एक प्रीवियस एफएक्यू में भी बताया है कि मुझे माइक्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। मैंने अपने माइक के बारे में बताया था जो मैं कई सालों से यूज़ कर रही हूँ। वो एक XLR माइक है जो डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं होता है। उसके साथ आपको एक साउंड कार्ड भी खरीदना पड़ता है। तो माइक साउंड कार्ड से कनेक्ट होता है और साउंड कार्ड एक USB से आपके कंप्यूटर पे कनेक्ट होता है। तो बिगिनर म्यूजिशियंस यूजुअली डिस्करेज हो जाते हैं कि इतनी सारी चीज़ें खरीदनी है, माइक खरीदना है, साउंड कार्ड एंड यूजुअली एक माइक के साथ स्टैंड। मेरा स्टैंड काफ़ी बड़ा है और मैं उसको कैरी करने में मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो जगह जगह मैं माइक स्टैंड खरीद लेती हूँ और इसी वजह से बजट भी काफ़ी बढ़ जाता है। ये अबाउट 30,000 to 40,000 के आसपास पड़ता है। तो आप में से बहुतों ने मुझे पूछा कि कोई USB माइक सजेस्ट कीजिए जो अबाउट 3,000 to 5,000 के बजट में आए, ऑफकोर्स रिकॉर्ड अच्छा करे और खाली वो खरीदने से पूरा काम हो जाए। तो अब भी मैं माइक एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट आई फाउंड ऐसा माइक जो इन सारे फीचर्स को कंप्लीट करता है एंड वो है माओनो कंडेंसर माइक PM421। ये पूरा वीडियो इसी माइक से रिकॉर्ड किया गया है, तो आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस माइक की क्वालिटी कैसी है। मुझे पर्सनली ये माइक बहुत अच्छा लगा है। इसमें मैं बोल के भी तो सुना ही रही हूँ बट मैं गा के भी सुनाऊंगी। तो चलिए थोड़ा रिवाइंड करते हैं। इस माइक सेट के एक एक कंपोनेंट को मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि वो किसी भी माइक सेट में यूज़फुल होता है, फिर इसको सेटअप कैसे करना है और फाइनली आप कंप्यूटर में कोई भी गाना विद बैकग्राउंड म्यूज़िक कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो किसी भी माइक सेट में बहुत चीज़ें होती हैं माइक के अलावा जो रिकॉर्डिंग के लिए ज़रूरी होती हैं। इस माइक सेट में वो सारे भी इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले पॉप फिल्टर्स बहुत यूज़फुल हैं और वो माइक के सामने लगता है, बिकॉज जब भी आप कोई भी गाना रिकॉर्ड करते हैं तो प और ब साउंड्स जो निकलते हैं हमारे मुँह से उनको सॉफ्ट कर देता है ताकि पूरे गाने में वो स्टैंड आउट ना करे। इसके अलावा एक विंडस्क्रीन कैप होता है जो माइक के ऊपर लगता है। ये यूजुअली आउटडोर रिकॉर्डिंग्स में यूजफुल होता है क्योंकि ये विंड के साउंड को मिनिमाइज करता है। ये एक टेबल क्लैंप है जो किसी भी डेस्क या लैपटॉप से अटैच होता है एंड आप छोटे वाले स्क्रीन में देख सकते हैं कैसे मैंने पूरा माइक सेटअप किया है। इसके बाद आता है बूम आर्म स्टैंड। तो आपको इस माइक के लिए अलग से माइक स्टैंड नहीं खरीदना, यू जस्ट हैव टू यूज दिस बूम आर्म स्टैंड। इसके बाद आता है शॉक माउंट जिसके बीचों बीच माइक को बिठाया जाता है रिकॉर्डिंग के लिए। ये बहुत यूजफुल है क्योंकि अगर कोई भी डिस्टर्बेंस या वाइब्रेशन हो स्पेशली रिकॉर्डिंग के बीच, ये उसको मिनिमाइज करता है बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन। इसके बाद आता है USB केबल जिसका एक साइड माइक से अटैच होता है और दूसरा USB पोर्ट से कंप्यूटर पे। एंड फाइनली द माइक। इस माइक सेट का और एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो बाकी USB माइक्स में नहीं दिखता है वो है माइक गेन नॉब। गेन आपकी रिकॉर्डिंग की एम्पलीट्यूड को कंट्रोल करता है। तो अगर आप सेम जगह से गा रहे हैं या बोल रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप माइक गेन नॉब को कम कर दें तो आपकी आवाज़ धीमी रिकॉर्ड होगी, अगर आप गेन बढ़ा दें तो वो और लाउड रिकॉर्ड होगा। तो इन अ वे वो आपके माइक की स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है। इसके अलावा अनम्यूट और म्यूट बटन है, तो अगर इन केस आप कोई YouTube लाइव कर रहे हैं सडनली आपको म्यूट कर देना है तो आपको कुछ और छूने की जरूरत नहीं है, इस जस्ट टच स्क्रीन आप म्यूट कर सकते हैं या अनम्यूट कर सकते हैं। तो माइक से कुछ भी रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर में आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। मेरे पास एबल्टन है क्योंकि वो मेरे माइक के साथ फ्री आया था।
आप कोई भी सॉफ्टवेयर क्यूबेस, लॉजिक प्रो, ऑडेसिटी इंटरनेट से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। शुरुआत में मुझे भी कुछ नहीं आता था सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है। मैंने यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख देख के सीखा है ग्रेजुअली ओवर टाइम, एंड आई एम श्योर आप भी सीख पाएंगे। मोस्ट सॉफ्टवेयर्स आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, तो अगर आपको एक सॉफ्टवेयर भी आता है तो बाकी सीखने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इस वीडियो में मैं बहुत बेसिक एबल्टन सिखाऊंगी, बट आई अर्ज यू कि आप और अच्छे अच्छे YouTube ट्यूटोरियल्स देखें जो एबल्टन या कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिखाते हैं ऑन हाउ टू रिकॉर्ड म्यूज़िक। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए सबसे पहले जो भी ऐप आपने डाउनलोड किया है सॉफ्टवेयर, उसको खोलिए। इसमें आपको ऑडियो ही रिकॉर्ड करना है, तो मिडी फाइल्स आपको नहीं चाहिए होंगे तो इनको आप डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद प्रेफरेंसेस में जाके आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस को चूज़ करना है। यूजुअली बाय डिफ़ॉल्ट ये बिल्ट इन माइक्रोफोन और बिल्ट इन आउटपुट पे होता है। आपको माइक्रोफोन प्रेस करना है इनपुट डिवाइस के लिए, क्योंकि ये आपका माउनो PM421 है। आउटपुट डिवाइस मतलब जहाँ पे आप अपनी आवाज़ सुन सकते हैं, या तो आप हेडफोन्स यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके कंप्यूटर स्पीकर से ये आवाज़ आएगी। बाकी के जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं मैं यूजली उनको नहीं टच करती हूँ, क्योंकि YouTube ट्यूटोरियल्स में भी देखा है कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ही बेस्ट हैं इनके रिकॉर्डिंग के लिए। अब ये तो हो गया वर्टिकल व्यू, ऑडियो 1 और ऑडियो 2। यहाँ पे प्रेस करने से ये आपका हॉरिजॉन्टल व्यू हो गया, ऑडियो 1 एंड ऑडियो 2। तो ऑलरेडी मैंने एक गाने का बैकग्राउंड स्कोर डाउनलोड कर लिया था, तो मैं उसको बस ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊँगी। एंड टू ऑडियो में मेरा वॉइस रिकॉर्ड होगा, तो यहाँ पे मैं इस रिकॉर्ड बटन को अनेबल कर दूंगी। जब ये वाला रेड है मतलब ऑडियो 2 वाला चैनल रिकॉर्ड होगा, जब आप रिकॉर्ड बटन दबाएंगे। यहाँ पे दबा के प्रेस करके आप 1/2 पे क्लिक कीजिए, और ताकि आपका बैकग्राउंड म्यूज़िक जब चल रहा है वो माइक रिकॉर्ड ना करे, बेस्ट है कि आप हेडफोन्स लगा लें और आप अपने बैकग्राउंड म्यूज़िक को कानों में सुने। अब आप प्ले बटन दबा सकते हैं और ये बैकग्राउंड म्यूज़िक आपके कानों में बजना शुरू हो जाएगा। इसके साथ आप इस रिकॉर्ड बटन को दबाइए, और ये आप शुरू में ही दबा देना ताकि आप गाना गा सकते हैं और ये रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। तो मैं ये फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। रू से बहती हुई धुन ये इशारे दे, कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से। अब आप फिर से जब प्रेस कर देंगे रिकॉर्ड बटन को, तो रिकॉर्ड करना बंद कर देता है। अगर आपने कोई मिस्टेक किया है तो आप वापस इधर प्रेस करके प्ले बटन दबा के और रिकॉर्ड बटन दबा के आप इसके ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये तो अब मैंने बस आपको सैम्पल दिखाया है, ऐसे आप पूरे गाने को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये जो बार है ये आपको पूरा कैरियोके दिखाता है। अगर आपको पूरा कैरियोके एक ही बार में देखना है तो प्रेस करके इसको जूम आउट कीजिए और पूरा कैरियोके ट्रैक आपको दिख जाएगा। ये पूरा रिकॉर्ड करने के बाद ऑडियो 1 और ऑडियो 2 आपको एक साथ एक्सपोर्ट करना है। आप फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट ऑडियो, ये सब डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ही रख के आप एक्सपोर्ट दबाएंगे। अपने फाइल को कोई नाम दीजिए और ये WAV वेव फाइल की तरह से एक्सपोर्ट होगा। अब ये तो मैंने दिखाने के लिए आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करवाया था, बट आप सेम टाइम में वीडियो भी शूट कर सकते हैं और अपना ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोनों को कंबाइन करने के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, जैसे फाइनल कट प्रो, iMovie या कैमटेजिया, एंड उससे आपका वीडियो और ऑडियो सुपर इम्पोज हो जाता है। एंड नाउ इसका फाइनल प्रोडक्ट देखने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
So I hope you guys liked this tutorial. Don't forget to subscribe, like, and comment. And see you in the next video. Bye-bye.